अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेवी बनाने का बुनियादी मसाला, यानी जिससे ग्रेवी बनती है। इसे बना के रखने का फायदा ये होता है कि खाना झटपट तैयार कर सकते हैं हम। बाज़ुकात मेहमान आ जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सालन बनाने की तैयारी करें। अगर हमने ये मसाला बना के रखा हो तो हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, या वो लड़कियां जो अभी खाना बनाना सीख रही हैं, अगर वो ये बना के पहले रखेंगी तो बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए देखें, शुरू करते हैं कि ये मैंने किस तरह बनाया है। इसके साथ हम सब्जी, गोश्त, दाल जो चाहे बना सकते हैं। तो चलिए देखें, इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, जाहिर है कि हम किसी हिसाब किताब में लेंगे, वैसे ही तो नहीं डाल लेनी। उसका हिसाब हमने यूं रखना है कि 3 मीडियम साइज के प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर, ये 1 अदरक का इतना सारा पीस, और ये लहसुन मेरे पास देसी है और बारीक बारीक है, इसलिए ये मैं गिन नहीं सकती, और ये इतना लहसुन। ये 1 किलो सब्जी या 1 कप दाल बनाने के लिए इतनी ग्रेवी काफ़ी होती है। अब इसी तरह मैंने ये 9 प्याज लिए हैं, 9 टमाटर लिए हैं, 3 पीस ये अदरक के हैं, और इसी हिसाब से लहसुन लिए है। ये 2 चम्मच ऑयल डालेंगे पहले। इसमें 1 चम्मच जीरा डाल लिया, और ये 6-7 सबज़ इलायचियां। ये जीरा हल्का सा भूनने के बाद आप प्याज डाल लेंगे। ये प्याज मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, कोई ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमने इन्हें कोई ज्यादा ब्राउन करना है, सिर्फ हल्के से सौते करना है। बस प्याज सौते हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह जरा बड़ी प्लेट में निकालते हैं ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। अब इसी में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। अब ये लहसुन और प्याज ये फ्राई कर लेंगे। सॉरी, ये लहसुन और अदरक है, मेरे मुंह से प्याज निकल गया। अब ये लहसुन और अदरक फ्राई हो चुके हैं। अब ये टमाटर मैंने पेस्ट बना ली है, ये डाल दिए। अब हम अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि टमाटर कच्चे हैं। ये 1 टीस्पून नमक डालेंगे। देंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई।
अब ये प्याज की मैंने पेस्ट बना ली थी वो भी डाल दी है टमाटर भूनने के बाद। अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब देखें ऑयल छोड़ दिया मसाले ने, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसी मसाले के साथ मैं आपको आलू की भुजिया बनाकर दिखाती हूँ कि हम ये कैसे बनाएंगे। अब ये वाले जो मसाले हम डालेंगे ये हम अपनी सब्जी के मुताबिक डालेंगे। ये मेरे तकरीबन एक पाव आलू है, मैं ये हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। ये एक टी स्पून लाल मिर्च है, ये हाफ टी स्पून नमक है। अब उसी पैन में जिसमें मसाला बनाया था उसी में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ये मैं दही में मिक्स कर रही हूँ, 2 चम्मच दही है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो पानी में भी कर सकते हैं। एकदम से ऑयल में अगर डालेंगे मिर्चें वगैरह तो वो फिर जरा उनका अच्छा जायका नहीं आता। ये हल्का सा पानी डाल के ये हम अच्छी तरह भून लेंगे। एक चम्मच भर के मैंने वो ग्रेवी मसाला डाला। क्योंकि ये मसाला हमने पहले ही अच्छी तरह भूना हुआ है, अब ये आलू मैंने बॉईल करके रखे थे वो डाल लूंगी। बस ये आलू हम थोड़ी सी देर भूनेंगे और हमारा सालन तैयार। साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। वैसे तो कसूरी मेथी हम मसाले में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बात उकात भी होता है कि कोई पसंद करता है या किसी सालन में डाली जाती है किसी में नहीं डाली जाती, इसलिए। ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालो। धनिया पाउडर हमेशा आखिर पे डालते हैं क्योंकि इससे सालन का कलर अच्छा भी रहता अगर शुरू में डाल लें। बस सालन हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये तकरीबन 5 मिनट में ये हमारी आलू की भुजिया तैयार हो गई है। ये ग्रेवी मसाला और इसी से हमारा सालन तैयार हो चुका है। आपने देखा कि सालन बनाने में कोई टाइम नहीं लगा, तो इस तरह आप इस ग्रेवी मसाले को बनाकर रख सकती हैं 15 दिन के लिए भी, महीने के लिए भी। अगर आप 15 दिन से ज्यादा रखते हैं तो फिर फ्रीजर में रखें, 15 दिन के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जितनी आपको जरूरत है आप उतना डाल के बना सकते हैं। तो ये वो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं, जो खवातीन जॉब करती हैं या लड़कियाँ खाना पकाना सीख रही हैं, रमजान मुबारक में टाइम कम होता है, तो आप ये मसाला बनाकर रखें और आप भी मुझे बताने कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।